एक कहाँ बैठा है देखिए, ये देखिए ये इधर मोबाइल लेके बाहर बैठा है। अभी मोबाइल दे, नाटक मत कर, सिर्फ 5 मिनट कर। बिल्कुल नहीं भगत। तो न्यासा हो गई रेडी और भगत भी अभी रेडी हो रहा है, रेडी अभी तक नहीं हुआ है। तो आज बच्चों का हाफ डे रहता है और बच्चे न्यास भगत तो जल्दी आ जाता है लेकिन न्यासा नहीं जल्दी आती है। तो इसको ना थोड़ा सा मैंने फ्राइड राइस बनाया। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे नए ब्लॉग में और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह सभी बीमार है, उसके वजह से चेहरे ऐसे लग रहे हैं, मेरा आवाज़ भी थोड़ा क्रशी आ रहा है। न्यासा भगत दोनों भी वो भी बीमार है, बाहर का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। और एक दिन दो दिन न्यासा ने छुट्टी लिया था, उसको हॉस्पिटल लेके गई। और कल का फुल डे मेरे डॉक्यूमेंट्स चेंज हुए तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के पीछे पड़ा मैं पड़ी उसके। तो कंटिन्यू फुल डे गया मेरा डॉक्यूमेंट्स में और आज भी उसके ही पीछे पड़ना है। तो न्यासा का 10th है तो उससे पहले मुझे सब कुछ सही करके लेना है, नहीं तो बाद में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए तो अभी ना मैं इनको बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ और फिर मेरे काम में लग जाती हूँ, क्योंकि तो मुझे भी बाहर जाना है। मेरा पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बन गया तो पैन कार्ड बनवाना है अभी। तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ने बच्चों के स्कूल में भी चेंजेस करवाना होता है। तो वही मैं क्या क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम होता है ना तो जल्दी नहीं हो पाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो चेंज करवाना है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक बार में फर्स्ट टाइम करते तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन चेंज करवाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसको अभी हमें वो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए फिर अभी बच्चों को पहले स्कूल भेज देते हैं। तो भगत को खिला रहे हूँ मैं भात, भगत हो गया रेडी। तो उसको लेट हो गया, न्यासा तो स्कूल गई भाग के, ये साइकिल से जाएगा। ये ले दे भगत, आ कर जल्दी खाना है। सॉक्स भी ना करता होता है। सॉक्स क्या काय झाले? स्कूल मध्ये स्कूल मध्ये कशाला ठेवला सॉक्स? खुळा आहेस का? घालतो स्कूल मध्ये। आ कर पूरा थांब, ते पूरा कंप्लीट खाऊन जा। थांब भगत, हे भात कोण खाणार? तू खा। नाही, ये चावल नाही खाया भगत ने। चलो बाय, ले ले सायकल, जा आराम से जा ना। बाय। हां बाय। तो ये चावल को बस हुआ उसको, मतलब गड़बड़ में नहीं खाने के लिए हुआ, इसलिए उनको लिए दोनों के लिए मैंने बनाया था, बस मुझे नहीं चाहिए। बाय। तो मैं अभी बना रही हूँ चावल, उसमें डालूंगी मैं आलू, ये है मसूर का दाल, मसूर का नहीं मूंग का दाल है, चावल धो के लिए है, प्याज और टमाटर काट के लिए, और यहाँ पे मैंने अदरक पीस के रखा है। तो मैं कुकर में चावल बनाऊंगी आज, रोटी बनाने के लिए या चपाती बनाने के लिए आज मन भी नहीं है, क्योंकि बच्चों का टिफिन रहता है तो उनको वो देना ही पड़ता है, तो आज टिफिन नहीं है। तो उसके लिए मैं अभी बनाऊंगी चावल। ये मैंने तेल ज़्यादा हुआ करके इसमें रखा था तो ये भी डाल देते हूँ इसमें। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ आलू, फर्स्ट मैं टमाटो, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी दाल, आलू और चावल। ये सब मिक्स करके आप भी चावल बनाओगे ना, और उसमें आप लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, तो सूखा दही के साथ आप खा सकते हो। तो इस तरह से आप बनाओगे तो कुछ अलग मतलब अलग टेस्ट करने के लिए मिलेगा, तो आप भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो हम कभी कभी इस तरह से गरम गरम बना के खाते हैं, उसका टेस्ट आता है पुलाव जैसा, तो बहुत ही बढ़िया रहता है, आप भी बनाए। तो मैं अभी ये बना खाने के लिए दोपहर को यही बना रही हूँ, बच्चा आने के बाद खाना यही खाएंगे, और उसके बाद मैं ये बना के मैं बाहर जाने वाली हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स बनाना है ना वहीं पे जाऊँगी अभी। तो ये बना के मैं लेती हूँ फटाफट। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें सब कुछ ऐड करके फ्राई करके लिया है, और अभी मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, और उसके बाद डालूंगी इसमें चावल
फिर पानी ऐड करूँगी और इसको इसका ढक्कन लगा के पकाने के लिए एक सीट निकाल के बंद कर दूँगी, हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से। मेरा हो गया भात रेडी, तो इस तरह से भात रेडी हुआ है मेरा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, तो खाने में भी उतना ही टेस्ट है। और मैं रेडी भी हो गई, तो अभी मैं खाना खा के जाऊँगी बाहर। काम ख़त्म किया सब कुछ और खाना भी बना दिया, तो खाना भी ज़रूरी है ना, तो खाना खाऊंगी। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या हो रहा है पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना खा के ही मैं बाहर निकलूँगी अभी। तो पहले खाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेंटर पे आई थी, तो मेरा काम हो चुका है, मतलब किया तो है, होगा कि नहीं पता नहीं, देखेंगे होगा कि नहीं पता नहीं, वो होने के बाद ही पता चलेगा कि कंप्लीट, मतलब वो जो मेरा इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, वो तब पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई थी, तो अपडेट तो किया है, देखेंगे अभी क्या होता है क्या नहीं। मैं अभी आई घर, भगत भी आया घर, भगत घर पे आया है और उसको मैंने अभी खाना दिया है। यहाँ पे है भगत, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए भगत बैठा है खाना खाते हुए। तो नियासा नहीं आई है, नियासा लेट से आएगी, मैंने आपको बोला है पहले भी, तो नियासा लेट से आएगी। तो मैंने अभी जस्ट आके मैंने चेंज वगैरह किया और उसको खाना दिया पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, 1:00 चला गया है, इसलिए उसको पहले खाना दिया। ये इधर टीवी देख के बैठी है, मैं थोड़ा सोई थी आके, और ये देखिए ये टीवी देख रही है और इसको चाहिए मोबाइल, आपको दिखाती हूँ मैं, ये कहाँ बैठा है देखिए, ये देखिए ये इधर मोबाइल लेके बाहर बैठा है। मम्मी सुबह से सो रही है। सुबह से थोड़ी सो रही हूँ, सही से बात कर और सही बता दे। मम्मी बाहर गई थी, मैं तब स्कूल से आया था, मम्मी ने की रखी गई थी, तब आके सोई। हाँ, मम्मी जब बाहर गई थी तब टीवी ऑन किया था और मम्मी आने के बाद मोबाइल लिया है ना, सिर्फ खाते वक्त। अभी मोबाइल दे, नाटक मत कर, सिर्फ 5 मिनट बिल्कुल नहीं भगत, समझ में आया। ये देखो इधर बाहर यहाँ पे आके बैठा है आराम से, मतलब डिस्टर्ब किसी का नहीं है, गेम खेलते हुए बैठा है, सही नहीं है, कितनी बार बोलती हूँ सुनता कौन है, सुनने वाला कोई है नहीं है। तो चलिए फिर अभी मैं चाय बनाती हूँ, मुझे तो चाय चाहिए, मैं थोड़ा सो के उठी हूँ और अभी बाहर वॉकिंग के लिए भी जाना है मुझे। नियासा झाड़ू लगाना है, तो अभी मैं नियासा को झाड़ू लगाने के लिए बोलूँगी, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है। अभी मैं अभी चाय बनाऊँगी और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है आटा, मतलब डोसा बनाने के लिए भिगो के रखा है चावल दाल वगैरह, तो इसमें मैंने, मुझे याद ही नहीं है, उड़द का दाल डाला है ना, डाला है यहाँ पे उड़द का दाल है, ये थोड़ा सा चना का दाल है, तो वही इतना डाला है, कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ। और इस तरह से ये पका हुआ चावल भी भिगोने के लिए रखना चाहिए, उसमें डालोगे ना तो आप बहुत ही अच्छे डोसे बन जाते हैं। तो चलिए हमने तीनों का खाना खाया हुआ प्लेट यहाँ पे है, और चावल तो बहुत बढ़िया बना था, बच्चों को भी ऐसे पसंद आता है, लेकिन थोड़ा सा तीखा कम है, तो न्यासा बोल रहे हैं थोड़ा सा तीखा कम है मम्मी, लेकिन टेस्टी बना हुआ है। तो चलिए अभी चाय बनाती हूँ मैं। तो देखिए मैं चाय जब बनाती हूँ ब्लैक टी, तो थोड़ी सी चाय की पत्ती डालती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा कड़वाहट ना लगे इसलिए। तो न्यासा लगा रही है झाड़ू, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी, इनको भी कुछ तो खाने के लिए देती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ वॉकिंग के लिए, तो ये मेरे वॉकिंग के शू है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छे है, ये मुझे आंटी गिफ्ट किया था, बहुत साल हो गए, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन तो मैं अकेले निकल रही हूँ, ये इधर खेल रहा है भगत, आ जाओ लेके आ जाओ भगत, मैं इसको आओ करके बोल रही हूँ, मेरे साथ ये नहीं बोल रहा है, आ जाओ बेटा जाएंगे, हाँ आ जा, वो लेके आ जा उधर खेलने के लिए, अच्छा अच्छा स्पेस मिलता है ना उधर,
नहीं ये देखो ये टूटा हुआ है, यहाँ पे पत्थर रख रहे हैं हम, और ये बार बार पत्थर इधर उधर हो रहा है। ये एक रखा है, ये एक रखा है, इनको ओनर को हमने कितनी बार बोला है ठीक कराओ, लेकिन ये तो एक बार आके तो चला गया लेकिन वो आया नहीं दोबारा। देखेंगे फिर से कॉल करेंगे उनको। तो वॉकिंग से मैं अभी घर आई, और मेरा वहाँ पे वॉकिंग गई थी तो वहाँ पे मेरा सर दर्द होने लगा, तो सर दर्द की वजह से वॉकिंग करने के लिए इच्छा भी नहीं हो रही थी, लेकिन मैं कैसे भी आई हूँ तो वॉकिंग करके ही जाना है करके वॉकिंग किया और अभी आके बैठ गई। न्यासा को बोल रही हूँ दिया लगा दो। ये देखो बच्चे, ये इधर खड़ी है, यहाँ पे टीवी चालू है, ये इधर खेल रहा है। अभी वो वेट कर रहा था मोबाइल लेके, मम्मी घर कब आएगी, और घर आते ही मोबाइल ले लूंगा, है ना। तो अभी उनको स्टडी के लिए बैठने के लिए बोल रहे हूँ, तो स्टडी के लिए अभी बैठेंगे नहीं बैठेंगे मुझे नहीं पता है। ये देखो ये उठी और बैठी, पूरा मुंह उधर टीवी के अंदर डालेगी। उठ अभी दिया लगा दे। तो दिया लगाने के लिए बोल रहे हूँ। तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ। तो कितना हुआ है क्या हुआ है वीडियो मुझे पता नहीं, दिन भर का रूटीन मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है जो भी है। तो चलिए बाय बाय।